हेलो फ्रेंड्स, आज मैं व्रत में खाने वाले साबूदाना और आलू के जो है वड़े की विधि शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हम भीगे हुए साबूदाने लेंगे, उबले हुए आलू लेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। यहीं पर हम इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाएंगे। आप चाहें तो हरा धनिया और जो है हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने जिस भी शेप के हम वड़े बनाना चाहते हैं, मैंने यहाँ गोल शेप में बनाए, उनको डाल देंगे और बीच बीच में हम फ्लेम पर कंट्रोल रखेंगे। बहुत ज़्यादा हमारी जो है आँच भी नहीं होनी चाहिए और बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर धीमी होगी तो इसमें तेल बढ़ जाएगा और अगर ज़्यादा तेज़ अगर हमने कर ली तो ये बाहर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो हम इन पर जो है मीडियम लो फ्लेम पर हम इन्हें सेक लेंगे धीरे धीरे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तलते रहेंगे। और लगातार हमें इन्हें बार बार नहीं पलटना है, एक बार धीरे से जब नीचे का सिक जाए तो हम इन्हें पलटेंगे और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन कलर के हों इन्हें बाहर निकाल लेंगे। व्रत में अगर खा रहे हैं तो दही के साथ सर्व करें।